हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। प्रीवियस अराउंड हम सभी ने टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय की विषय वस्तु को समझा हुआ था, और आप लोगों की ये बार बार डिमांड हो रही थी कि कोई ना कोई डेमो क्लास दी जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे कि तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर टॉपिक आपके कैसे पढ़े जाए। तो आज मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं। एक विशेष टॉपिक है आपके बॉटनी का, और जहां पर हम आज देखेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है या कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ संस्थान के द्वारा आपको क्या क्या मटेरियल दिया जाएगा। जैसा कि बता दूं मैं आप सभी को कि जितना मैं पढ़ाऊंगा ये बोर्ड का जो मटेरियल होगा बिल्कुल इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ नोट्स और एक प्रिंटेड नोट्स जी आपको दिया जाएगा कंप्लीट टीजीटी और पीजीटी के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ एक वीक के अंदर कितना आपने पढ़ा है इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। आप सभी ने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन किए हुए हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी टीजीटी के लिए। और टीजीटी अगर बायोलॉजी की बात करें तो वर्तमान समय का नियम है उसमें टीजीटी बायोलॉजी को हटा दिया गया है, जिसके साइंस को एक ही साथ इंक्लूड कर दिया गया है, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक साथ रहेंगे। कुछ और भी परिवर्तन हुए, जैसे कि साक्षात्कार का ना होना, और साथ ही साथ जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल रहा था पीएचडी का, डीफिल का, एमएड और बीएड का, तथा राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल कूद में भाग लेने का, ये सारे वेटेज भी आपको लिखित परीक्षा में अब इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो नए पैटर्न के साथ परीक्षाएं हो रही हैं आपकी। ध्यान ये देना है इस नए पैटर्न के साथ कैसे हम तालमेल अपना सही स्थापित करें कि परीक्षा में हम पास हो जाएं। दोस्तों बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यदि हम फेल हो जाएं तो क्या होगा। बता दूं आप सभी को मैं, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने का पहला प्रयास आपका था। तो कभी भी इस शब्द से घबराया मत करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यानी सीखने का जो पहला आपका प्रयास था वो ये था, है ना, आपको फिर सीखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, यानी उनके दिमाग में होता है कि भाई बायोलॉजी बहुत बड़ा सिलेबस है पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर ये नो शब्द आ रहा है दोस्तों, तो नो का मतलब क्या जानते होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप पहले प्रयास तो करिए, पहले आप प्रयास करिए, आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये होने वाला है इंड, तो दोस्तों इंड का मतलब पता है क्या होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, एफर्ट नेवर डाई, यानी प्रयास कभी विफल नहीं जाता है, प्रयास कभी जाया नहीं जाता है, यदि आप लोग यदि अच्छे से दृढ़ संकल्प के साथ सही मार्गदर्शन में तैयारी की जाए। एफर्ट नेवर डाई, प्रयास कभी मरता नहीं है, प्रयास हमेशा आपको अच्छा फल देगा। तो संस्थान में टीजीटी पीजीटी के लिए सभी विषयों के बैच प्रारंभ है, जैसे कि हिंदी, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, तो बहुत सारे विषयों के साथ जो है टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू है। दोस्तों डेमो क्लासेस लगातार हो रही हैं, अगर क्लासेस आपको समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़िए। आज की विशेष क्लास में मैं आपको बताऊंगा वायरस, यानी आज हम लोग बॉटनी शुरू करने वाले हैं, तो बॉटनी की क्लास हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और बॉटनी में एक विशेष टॉपिक है वायरस, वायरस को आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए वायरस को तो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ाया है तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो टॉपिक हमारा 100% क्लियर हो जाएगा। हमको इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वायरस किस लिए इंपॉर्टेंट है और वायरस में क्या क्या आपको पढ़ना है।
देखिए तो दोस्तों वायरस, हाँ और हाँ, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड पहले से तैयार की हुई है ताकि कम समय में आपको अच्छा सीखने को मिल जाए, कम समय में हम लोग अच्छा कर सके। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या आज का वायरस है। तो अगर हम बात करें दोस्तों वायरस क्या होता है, देखिए वायरस जो शब्द है ये वायरो से बना हुआ है और वायरो क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। तो वायरस की जो उत्पत्ति हुई है वायरस शब्द की, ये लैटिन भाषा के वायरो से हुई है। वायरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइजन। तो वायरो मीन्स होता है पॉइजन या वेनम, है ना। पॉइजन मतलब आप जानते हो विष, तो विष से विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है। वेनम का मतलब भी जहर होता है, ठीक है ना। अगर पूछता है स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड, तो आप क्या बताओगे, वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अब यहां पर हमें समझना है कि एक्चुअली में व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, सेलुलर है या एसेलुलर है, इसमें कोर क्या होती है, इसकी कैप्सिड कैसे बनी होती है, न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है, इनवेलप क्या क्या होता है, या इसकी साइज क्या है, इसको किसने क्रिस्टलाइज किया है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां वायरस के बारे में बनते हैं। तो वायरस से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो मैंने आपके कमेंट में देखी है बार बार कि सर टर्म कौन सा होगा, टर्म इंग्लिश होगा कि हिंदी होगा। देखिए ऐसा है, यहां जो आपको बोर्ड पर मिलेगा मटेरियल ये टोटली इंग्लिश रहेगा, लेकिन समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कुछ हिंदी के भी, ताकि पॉइंट्स को हम लोग आसानी से समझ सके, ठीक है ना। तो चलिए, तो वायरस क्या होता है, वायरसेस आर सिंपल लिविंग पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि वायरस क्या होते हैं दोस्तों, वायरस तो लिविंग पार्टिकल होते हैं। वायरस क्या होते हैं, लिविंग पार्टिकल होते हैं जो बने होते हैं डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के छोटे छोटे कणों से। यानी वायरस एक जीवित पार्टिकल है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यह है कि कोई भी वायरस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जैसे ही वो बाहर आता है वह मर जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक्चुअली क्या है कि जब कोई वायरस किसी होस्ट की बॉडी में आता है, किसी होस्ट की बॉडी में आएगा या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है, तो उस बॉडी में पहुंचने के बाद वह उसके डीएनए पर कब्जा कर लेता है, डीएनए का यूज करता है। किस लिए, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद को म्यूटेशन के लिए, खुद के रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। वह क्या करता है, उसका डीएनए यूज करता है। तो और जैसे ही वायरस उस होस्ट की बॉडी से बाहर आता है, वह वायरस फिर क्या होता है, मर जाता है। यानी बॉडी के अंदर वो जीवित रहता है, बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसी का मतलब क्या होता है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बट सम वायरसेस हैव फैकल्टेटिव पैरासाइटिक नेचर। अब फैकल्टेटिव पैरासाइटिक नेचर क्या होता है, यानी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बॉडी के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, साथ ही साथ वह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर आने के बाद भी सर्वाइव करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस। तो कुछ वायरस में ऐसे गुण भी होते हैं, अदरवाइज वायरस क्या है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइटिक। जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है ना, इन द सेंस कि बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो सर्वाइव करते हैं, बॉडी के बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वायरस क्या होता है, वायरसेस आर सिंपल लिविंग पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो भाई किसका, जो जो वायरसेस है वो कैसे बनता है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्लाइड मैंने केवल इसलिए बनाई है ताकि क्लास आप लोग कम समय में समझ सके, ठीक है, अदरवाइज लिखने में बहुत टाइम लग सकता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किसने किया है, वायरस को किसने खोजा है, ठीक है ना। तो अगर यहां हम बात करें कि वायरस की खोज किसने की है, तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि पहला जो वायरस खोजा गया था
यानी कि फर्स्ट द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस HTMB, दैट इज प्लांट वायरस एक्चुअली में टोबैको मोजाइक वायरस। तो फर्स्ट द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस HTMB डिस्कवर्ड बाई एडोल्फ मेयर। अब आप सोचेंगे ये एडोल्फ मेयर ने कैसे खोज की, भाई हम तो पढ़े हुए हैं इवानोवस की। देखिए तो दोस्तों एक्चुअली क्या था, एक्चुअली क्या हुआ कि जो टोबैको का प्लांट होता है ना, टोबैको का प्लांट होता है, देखिए तो टोबैको के प्लांट में जो टोबैको की पत्तियां होती थी, इसी टोबैको की पत्ती पर सबसे पहले जो रुडोल्फ मेयर साहब, एडोल्फ मेयर साहब थे, तो मेयर ने क्या किया, इस पत्ती पर कुछ धब्बे देखे, ठीक है ना। जब धब्बे देखे मेयर साहब ने, तो मेयर ने कहा कि इस पत्ती पर कोई डिजीज है, ठीक है ना, और वह डिजीज एक ऐसे बैक्टीरिया को से हुआ है, उसका कास्ट ऐसे बैक्टीरिया से है जिसको हम देख नहीं सकते। एक्चुअली में मेयर ने क्या बोला था टोबैको मोजेक वायरस को कि यह बैक्टीरिया है, और ऐसा बैक्टीरिया जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो TMB को देखने का कार्य था वो मेयर साहब ने किया था, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, मेयर ने किया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक रशियन साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, इनको हम कहते हैं दिमित्री इवानोवस्की। तो दिमित्री इवानोवस्की सेपरेट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड नेम TMB। अब देखिए तो सबसे पहले यहां जो दिमित्री इवानोवस्की थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया फ्रॉम द शेप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। शेप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रस, यानी जूस, जूस। तो एक इन्फेक्टेड प्लांट की पत्तियों के जूस, जूस के द्वारा, रस के द्वारा सबसे पहले इवानोवस्की ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया, अलग किया, और उसका नाम रखा टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। यानी कि एक्चुअल में जो खोज करने का श्रेय है वह इवानोवस्की को जाता है, ठीक, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उस इन्फेक्टेड प्लांट की पत्ती से के रस के अंदर से जब रस को छान लिया, तो उस रस को क्या किया, एक शुद्ध पत्ते पर गिराया, वह शुद्ध पत्ता भी इन्फेक्टेड हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले खोज करने का श्रेय पहुंचता है किसके पास, दिमित्री इवानोवस्की के पास। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और यहां पर बन जाते हैं आपके एग्जाम में। अब ये कौन से पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, पॉइंट से बनते हैं कि टर्म वायरस विच इज यूज बाई, देखिए चलिए पूछता है कि टर्म वायरस सबसे पहले किसने बताया, किसने दिया था, ठीक है ना। तो टर्म वायरस किसने दिया था, तो सबसे पहले पोस्चर, पोस्चर एक वैज्ञानिक थे, पोस्चर ने क्या किया था, इसको वायरस नाम दिया, बताया कि यह वायरस होता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है, तो हु इज कॉल वायरस कंटेजियम वायम फ्लूडियम, ये बार बार पूछता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों डच साइंटिस्ट थे, डच वैज्ञानिक, डच साइंटिस्ट बेजरिंग्स कॉइन द टर्म वायरस ऑल्सो नेम्ड कंटेजियम वायम फ्लूडियम। यानी ये डच वैज्ञानिक थे बेजरिंग्स, इन्होंने क्या किया था, वायरस को अलग किया, वायरस टर्म दिया, तथा उसको एक नया नाम भी दिया, और नाम क्या दिया था, कंटेजियम वायम फ्लूडियम। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है ना, कि सबसे पहले वायरस को कंटेजियम वायम फ्लूडियम किसने कहा था, तो आप बताओगे डच साइंटिस्ट बेजरिंग ने कहा था। और सबसे पहले टर्म वायरस किसने यूज किया था, वो पोस्चर ने यूज किया था। चलिए मूव करते हैं आगे। अब आगे अगला पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब दोस्तों यहां देखिए क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, देखिए यानी कि सबसे पहले वायरस का देखिए एक कैरेक्टर होता है कि इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, जैसे सिल्ट होती है, बालू होती है ना, बालू का कण होता है, शीशे का चूरा होता है, तो ये सब भी क्या है, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो जैसे ये सिल्ट वगैरह है, डस्ट वगैरह होती है क्रिस्टल के रूप में, वैसे वायरस को भी हम क्रिस्टल के रूप में अलग कर सकते हैं। और सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, WM स्टैनले ने 1935 में। तो आप देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था वायरस को, तो WM स्टैनले ने सबसे पहले इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया हुआ था, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ TMB वायरस, यानी सबसे पहले
टीएमबी वायरस को माइक्रोस्कोप में किसने देखा था? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सबसे पहले टोबैको मोजैक वायरस का किसने बनाया था? हमें पता है जो टोबैको मोजैक वायरस है ये इतना छोटा होता है दोस्तों कि इसको हम सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, और इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। तो सबसे पहले टोबैको मोजैक वायरस को माइक्रोस्कोप में देख करके उसका स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो फ्रैंकलिन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले फ्रैंकलिन ने क्या किया था, टोबैको मोजैक वायरस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था। यह भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए थोड़ा सा मूव करेंगे आगे, और हां इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने पढ़ा क्या, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस किसने किया है? द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज टोबैको मोजैक वायरस डिस्कवर्ड बाय एडोल्फ मेयर एंड डिमित्री इवानोवस्की सेपरेट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द शेप ऑफ इंफेक्टेड प्लांट एंड नेम्ड टोबैको मोजैक वायरस एंड टर्म वायरस यूज्ड बाय पोस्टर एंड द साइंटिस्ट बेजरिंग्स कॉइन्ड द टर्म्स वायरस ऑल्सो नेम्ड कंटेजियम वाइम फ्लूडम। सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के रूप में किसने अलग किया? डब्ल्यू एम स्टैनले 1935। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी वायरस इज मेड बाय फ्रैंकलिन। तो वायरस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं हमें आगे क्या समझना है वायरस के बारे में। क्लियर? सो आइडेंटिफाई कैरेक्टर कॉइंस मतलब क्या क्या होता है, ये सारे पॉइंट समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई, यानी कि जब हम किसी को देखते हैं तो उसके अंदर के कुछ गुण होते हैं, उसको देख करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्यक्ति कौन है और कैसा है। तो सब वायरस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, बता दें आप सभी को। कभी भी वायरस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप या सब माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां वायरस है कि नहीं, ये वायरस है कि बैक्टीरिया है। क्लियर? चलिए अब यहां पर कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, बात करेंगे कैरेक्टर की कि वायरस का कैरेक्टर क्या है। सो देखिए आप लोग, एसेलुलर यानी कि ये अकोशिकीय होता है, कभी भी सेलुलर नहीं कहेंगे। जब भी आप वायरस को कुछ बुलाएंगे तो इसको आप क्या कहोगे, एसेलुलर है, अकोशिकीय है, और साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्म अब्सेंट रहता है, साइटोप्लाज्म अब्सेंट, साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, अब्सेंट रहता है। साइटोप्लाज्म अब्सेंट इन वायरस, इसका मतलब यह है कि वायरस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, ये सारे जो और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये अब्सेंट रहते हैं उसके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, एसेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है। अब कोई भी वायरस का जो कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब वायरस कैसे बना हुआ है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी वायरस होता है इसमें दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज कोर एंड सेकंड इज कैप्सिड। अब ये कोर क्या है और कैप्सिड क्या दोस्तों, देखिए अब जो वायरस होता है वो इस प्रकार होगा, जो ये भाग है इसको हम कोर कहते हैं, ये क्या है, ये कोर कहलाता है, इसे हम क्या कहेंगे, कोर। क्लियर? और इसी कोर के चारों ओर का जो आवरण है, जो कवर है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो आप देख सकते हो जो कोर होता है, ये जो अंदर वाला भाग है ये कोर है किसी वायरस का। तो जो वायरस है उसके दो कंटेंट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कोर, दूसरा क्या होता है, कैप्सिड। अब यहां जो अंदर वाला ये भाग है इसको हम कोर कहते हैं, और कोर दोस्तों क्या होता है, कोर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। क्लियर? कोर क्या है,
क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कोर, तो कोर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, यानी कि जो कोर है वो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी विषाणु का, जिसमें जिसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और कौन से, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है तो आप बताओगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। अब ये होता कहां है, ये वायरस के कोर में होता है, ठीक है ना। अब ये कोर के चारों ओर जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इस कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। आप देखिए इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। अब ये कैप्सिड क्या होती है, कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। क्लियर, कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। जो ये कैप्सिड होती है यह एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, कवर होता है, जो पूरे कोर के चारों तरफ फैला होता है, यानी ये पूरे चारों तरफ कोर को दोस्तों कवर करता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं कैप्सिड, एंड कैप्सिड मेड ऑफ कैप्सोमियर। जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से बना होता है, लाइक जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमर, तो हम कहते हैं कि पॉलीमर इज द मेड ऑफ मेनी मोनोमर। ठीक है, द पॉलीमर इज द मेड ऑफ मेनी मोनोमर, यानी कि बहुत से मोनोमर जब मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। सेम वैसे ही यहां द कैप्सिड इज द मेड ऑफ कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलते हैं तो क्या बनते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं कैप्सिड। अब देखिए ये जैसे कैप्सिड ये हो गई ना, तो ये कैप्सिड है प्रोटीन की, और ये जो वहां जो बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये होता है कैप्सोमियर। तो ऐसे छोटे छोटे कैप्सोमियर मिलकर के क्या बनाते हैं, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर मिलकर के निर्माण करते हैं कैप्सिड का, इस प्रकार से। ऐसे ये कैप्सोमियर है, अंदर ये क्या है, कोर है, इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखिए ये समझ लीजिए ऐसे होता है। अब यहां दोस्तों आपको समझना होगा कि जो कैप्सिड है ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन। तो कौन सी प्रोटीन होती है, देखिए वायरस में दो प्रोटीन होती हैं, कभी कभी होती है लिपोप्रोटीन और कभी कभी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो कभी कभी लिपोप्रोटीन, कभी कभी ग्लाइकोप्रोटीन। जो लिपोप्रोटीन होती है, ऐसे वायरसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है ना, बहुत डेंजरस होते हैं। चलिए तो दोस्तों यहां तो समझ लिया आपने। अब देखिए यहां पर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिड क्या कहलाता है, ठीक है ना। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्मिड, देखिए न्यूक्लिक, अब हाँ यहां जो चारों का जो आवरण होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड कैसे बनता है, सेंट्रोमियर का, कैसे बनता है, ये बनता है कैप्सोमियर का। अब देखिए इसके चारों ओर दो प्रकार की प्रोटीन होती है, या तो होगी वो लिपोप्रोटीन दोस्तों, या फिर क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन। और हां यहां जो चारों ओर का भाग होता है, ठीक है ना, अब ये बाहरी वाला भाग और ये अंदर वाला भाग, जब दोनों भाग मिलते हैं तो इनको हम एक नाम देते हैं, क्या, न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या देते नाम, न्यूक्लियो कैप्सिड, क्योंकि ये कोर है, कोर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कोर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, और कोर के बाहर क्या है, कैप्सिड है। तो न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। आप देखिए कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाई कोर एंड कैप्सिड। तो व्हाट इज न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड इज द कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर एंड कैप्सिड, यानी कोर और कैप्सिड के मिलने से जो भाग बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड। यानी ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग कहलाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। क्लियर, देन हम लोग मूव करते हैं आगे। अब आगे क्या है, इनवलप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है इनवलप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर इनवेलप्ड होता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर इनवेलप्ड नहीं होता, यानी कि वो वायरस खुले होते हैं, ओपेंड होते हैं, नेक्ड होते हैं। तो वायरसेस को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट इज द इनवेलप्ड वायरस एंड सेकेंड इज द नेक्ड वायरस। सो व्हाट इज इनवेलप्ड, ठीक है, देखिए फ्यू वायरसेस सच एज एचआईवी इंफ्लुएंजा ईटीसी हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड कैप्सिड डिराइव्ड फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। क्लियर,
देखिए, यानी कुछ वायरसेस ऐसे होते जैसे कि आपका, जैसे कि एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, इन वायरसेस में कैप्सिड के चारों ओर लिपो प्रोटीन होती है, यानी ये कैप्सिड है और इस कैप्सिड के चारों ओर क्या होगी, अब यहां पर ये कैप्सिड है तो इस कैप्सिड के चारों ओर क्या होती है, लिपो प्रोटीन होती है, ठीक है भाई, इसके चारों ओर क्या होती है, लिपो प्रोटीन। अब ये लिपो प्रोटीन लेयर अराउंड कैप्सिड डिराइव फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, यानी दोस्तों जो लिपो प्रोटीन है, इस लिपो प्रोटीन को कहां से प्राप्त किया, हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, द सेल मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं लिपो प्रोटीन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड, कि जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कैसे बनी होती है, वह लिपो प्रोटीन की बनी होती है। हमें पता है इम्यून सिस्टम हमारा ऐसा होता है कि जो हमारी सेल को नहीं मारता, हम जानते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की सेल्स को नहीं मारता है, ये पता है। तो कुछ वायरसेस इतने क्लेवर होते, इतने चालाक होते हैं, जैसे ये वायरस हमारी बॉडी में, किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, तुरंत ये होस्ट की बॉडी में पहुंचने के बाद जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में लिपो प्रोटीन होता है, उस लिपो प्रोटीन को लपेट लेते हैं अपने चारों ओर। जब वो लिपो प्रोटीन को लपेट लेते हैं कोशिका झिल्ली से लेकर के, तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको सोचता है कि ये वायरस नहीं है बल्कि इनके ऊपर लिपो प्रोटीन है, इसका मतलब ये हमारी सेल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको नहीं मारता है, इनको नहीं मार पाता है। कारण क्या है कि ये हमारी कोशिका झिल्ली से, झिल्ली में उपस्थित जो उसकी लेयर में होता है लिपो प्रोटीन, उसी को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। जब चारों ओर लपेट लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं पाता कि ये हार्मफुल वायरस है या फिर हमारी सेल, क्योंकि हमारी सेल को कभी भी हमारा इम्यून सिस्टम नहीं किल करता, इस बात का ध्यान देना दोस्तों। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवलप कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्यू वायरसेस सच एज एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, ईटीसी हैव ए एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड कैप्सिड डिराइव्ड फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनके चारों ओर ये क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से अपने चारों ओर लिपोप्रोटीन को लपेट लेते हैं, जिस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम इनको नहीं मार पाता, इनको किल नहीं करता, वो सोचता है कि ये हमारी सेल्स हैं और हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी हमारी सेल्स को किल नहीं करता, इसी को हम क्या कहते हैं, इनवलप कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो कोर क्या होता है, जो किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोर होता है। और दोस्तों कैप्सिड क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंड द कोर, यानी कोर के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है उसी को हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड इज द मेड ऑफ कैप्सोमियर, बहुत से कैप्सोमियर मिलकर के कैप्सिड का निर्माण करते हैं। कैप्सिड एक्चुअली प्रोटीन की बनी होती है, कभी कभी लिपो प्रोटीन की, कभी कभी ग्लाइको प्रोटीन की, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहां हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमने देखा न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द कोर एंड कैप्सिड आर कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड, क्लियर ना। अब इनवलप क्या होता है, आपने देखा कि इनवलप क्या होता है, फ्यू वायरस सच एज एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, ईटीसी हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड कैप्सिड डिराइव्ड फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, क्लियर, ये होता है इनवलप्ड। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर क्या होता है, इनवलप होता है, और कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके चारों ओर इनवलप नहीं होता, तो वो नेक्ड वायरस है और ये होते हैं इनवलप्ड वायरस। चलिए तो इतना हमने समझा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स है। देन तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर साइज की और फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। जो वायरसेस होते हैं दोस्तों, जो भी वायरस होते हैं, जो भी बैक्टीरिया, जो भी विषाणु होते हैं, उनमें एक नॉर्मल साइज होता है। अगर हम वायरस की नॉर्मल साइज की बात करें तो वायरस का जो नॉर्मल साइज वो कितना होता है, देखिए अगर हम इसके नॉर्मल साइज की बात करें तो एक्चुअली दोस्तों कितना होता है नॉर्मल साइज, 200 मिली माइक्रॉन। कोई भी वायरस होता है उसका जो नॉर्मल साइज है वह 200 मिली माइक्रॉन है, बट ये एवरेज है। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट वायरस, विच इज कॉल्ड लार्जेस्ट वायरस, विच इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट वायरस,
सबसे बड़ा वायरस किसे कहते हैं, सबसे छोटा वायरस किसे कहते हैं, कौन है, तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे बड़े वायरस की, दोस्तों देखिए आपने पढ़ा होगा स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है, किसका होता है, स्मॉल पॉक्स का। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस जो कि वेरियोला, क्या होता है ये, वेरियोला होता है, स्मॉल पॉक्स, क्लियर ना। तो वेरियोला होता है ये सबसे सबसे लार्जेस्ट वायरस है, सबसे बड़ा वायरस है। अगर हम बात करें तो 250 मिली माइक्रोन का होता है ये, कितना होता है 250 मिली माइक्रोन का होता है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट वायरस, तो स्मॉलेस्ट वायरस इज फुट एंड माउथ वायरस, फुट एंड माउथ वायरस, ये स्मॉलेस्ट वायरस है दोस्तों, और ये होता है 10 मिली माइक्रोन का, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, बोले 10 मिली माइक्रोन। एंड अब हम बात करेंगे वायरस के फंक्शंस के बारे में, कि इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे ये कार्य करता है, कैसे कैसे वर्क करता है किसी होस्ट की बॉडी में। देखिए यहां से आपको पहले कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, जब भी वायरस किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वह उसका डीएनए यूज करता है, ये समझिएगा, ठीक है दोस्तों, यानी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए उसका इस्तेमाल करता है। और जब डीएनए इस्तेमाल करेगा तो सबसे पहले डीएनए के बारे में समझेगा वायरस, वह वायरस होस्ट की बॉडी के डीएनए का एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उस डीएनए को पूरे कंट्रोल में लेकर के खुद को रेप्लिकेट करेगा, यानी खुद का रेप्लिकेशन करेगा, खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा, खुद को म्यूटेट करेगा, यह वायरस का नेचर होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसे होता है, कैसे यह कार्य करता है किसी होस्ट की बॉडी में, देखिए, वंस अ वायरस इंटर्ड इन अ होस्ट सेल इट्स टेक कंट्रोल ऑफ होल बायोकेमिकल्स मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड स्टार्ट म्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लीकेशन ऑफ ऑन द यूज डीएनए ऑफ द होस्ट सेल, ठीक, यानी कि जब भी कोई वायरस किसी होस्ट के सेल में इंटर करता है, किसी होस्ट की बॉडी में इंटर करता है, तो वह उस होस्ट की सेल के अंदर सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस को, बायोलॉजिकल मशीनरी को कंट्रोल में ले लेता है, अपने कंट्रोल में लेकर के वह उसको ब्रेक डाउन कर देता है, रोक देता है, और रोकने के बाद वह होस्ट के सेल में खुद को, यानी अपने आप को, अपना म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, मल्टीप्लीकेशन यानी वृद्धि जो उसकी होती है, ग्रोथ करता है, और साथ ही साथ रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, और हमेशा इसके लिए वह होस्ट का डीएनए यूज करेगा, न्यूक्लिक एसिड को यूज करता है। समझिएगा, ये जब भी किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर जो सेल होती है, उस सेल को, उस सेल की सभी फंक्शन को, सभी बायोलॉजिकल मशीनरी को रोक देता है, रोकने के बाद खुद को, खुद की ग्रोथ करने में लग जाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, और खुद का मल्टीप्लीकेशन करता है, खुद का म्यूटेशन करना शुरू कर देता है। इस तरह वायरस का फंक्शन होता है, और ध्यान रहे ये हमेशा दे यूज्ड डीएनए ऑफ होस्ट सेल, ये हमेशा होस्ट सेल का डीएनए ही यूज करता है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट अभी उसे, क्लियर ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहां पर पॉइंट्स आपके लिए लिख दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे फंक्शन होता है एक वायरस का किसी होस्ट की बॉडी के अंदर। एंड नाउ मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो हम बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की। देखिए तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ऑफ वायरसेस, क्लियर। तो वायरसेस को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखिए आप क्या लिखा गया है, फाइटोफैजनी, फाइटोफैजनी क्या है, जूफैजनी क्या है, और फैजनी क्या है। अगर हम फाइटोफैजनी की बात करें तो वायरसेस दे आर इंफेक्टेड प्लांट इज कॉल्ड फाइटोफैजनी, वायरसेस दे आर इंफेक्टेड प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोफैजनी, यानी ऐसे वायरस जो प्लांट को प्रभावित करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम फोटोफैजनी कहते हैं। एंड वायरसेस दे आर इंफेक्टेड एनिमल्स दैट इज कॉल्ड जूफैजनी, यानी ऐसे वायरसेस
जो जंतुओं को प्रभावित करते हैं, किसको, जो जंतुओं को प्रभावित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों जूफैजनी, उन्हें कहते हैं जूफैजनी। एंड वायरसेस दे आर इनफेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड फैजनी, यानी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फैजनी कहते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, फैजनी। आपका बैक्टीरियोफेज क्या होता है, फैजनी कैटेगरी में होता है। क्लियर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस को तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज फाइटोफैजनी, सेकेंड इज जूफैजनी एंड थर्ड इज फैजनी। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइटोफैजनी, तो वायरसेस दे आर इन्फेक्टेड प्लांट आर कॉल्ड फाइटोफैजनी, वायरसेस दे आर इन्फेक्टेड इन्फेक्ट एनिमल दैट इज कॉल्ड जूफैजनी, वायरसेस दे आर इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड फैजनी। क्लियर, एंड देखिए आगे बढ़ेंगे तो वायरसेस दे आर इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड फैजनी बट द नेम ऑफ द वायरस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को प्रभावित कर देता है। सोचिए, यानी ऐसे वायरस हैं जो प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। एंड वायरसेस दे आर इन्फेक्ट बीजीए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो वायरसेस दे आर इन्फेक्ट इन्फेक्टेड आर इन्फेक्ट आर ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड, इन्हें हम कहते क्या है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो वायरसेस दे आर इन्फेक्ट बीजीए इज कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों तो इनको हम कहते हैं, इनका नाम है साइनोफेज, इनका नाम है, तो इनका नाम क्या है, साइनोफेज, साइनोफेज। तो साइनोफेज ऐसे वायरस है जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरसेस दे आर इन्फेक्ट फंजाई, ऐसे वायरसेस जो फंजाई को, फंजाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, कवक होता है, तो ऐसे वायरस जो कवक को प्रभावित करते हैं इनको हम कहते हैं माइकोफेज, ये कहलाते हैं माइकोफेज। ऐसे वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं माइकोफेज। एंड दे आर वायरसेस दे आर इन्फेक्ट एल्गी, यानी ऐसे वायरसेस जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइकोफेज। क्लियर, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को उनको साइनोफेज कहते हैं, और ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं फंजाई को उनको माइकोफेज कहते हैं, और ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं एल्गी को इसको हम कहते हैं फाइकोफेज। क्लियर, तो इसको आपको समझना होगा। एंड मोस्ट डेंजरस ह्यूमन वायरसेस इज एचआईवी एंड कोविड-19। क्लियर, तो दोस्तों कोविड और एचआईवी का जो वायरस है ये मोस्ट डेंजरस वायरस होते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये आरएनए बेस्ड वायरस है, यानी जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो एचआईवी में, कोविड-19 में और बहुत से वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इनका आरएनए होता है। हम अभी चर्चा करेंगे आगे जेनेटिक मटेरियल पर कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग, क्लियर, क्या क्या होता है जेनेटिक मटेरियल किसी भी वायरस का। तो एचआईवी और कोविड का जो वायरस है उसमें जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका आरएनए, और इसी आरएनए के कारण ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये अपने चारों ओर लिपोप्रोटीन की कवरिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इनको नष्ट नहीं कर पाता, हमारा इम्यून सिस्टम इनको मारने में क्या होता है, विफल हो जाता है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या है पॉइंट्स। क्लियर, तो दोस्तों वायरसेस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कोई भी वायरस दोस्तों क्या होता है, वायरसेस इज द चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या हम यह भी कह सकते हैं कि वायरसेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरस जीवित और मृत के बीच की कड़ी होते हैं, या वायरस जीवित और मृत को के बीच के होते हैं, या वायरस जीवित और मृत के बीच
एक कड़ी का निर्धारण करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। क्लियर ना? अब किस लिए दोस्तों? क्योंकि वायरस के अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं और वायरसेस के अंदर कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं, यानी ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, लिविंग कैरेक्टर भी और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी। इसीलिए इसको कहते हैं चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक्चुअली जब कोई वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, किसी होस्ट के अंदर रहता है, तो वह सरवाइव करता है, तो उस समय वह अपने लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। यानी किसी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई वायरसेस अपने लिविंग कैरेक्टर को शो करता है, और जैसे वह होस्ट की बॉडी के बाहर आता है वह अपने नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। सो हम कहते हैं कि वायरसेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आइए देखते हैं कि इसके लिविंग कैरेक्टर क्या है और इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है। क्लियर? सो फर्स्ट इज अ नॉन लिविंग कैरेक्टर, अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम। किसी भी वायरस के अंदर ना तो प्रोटोप्लाज्म होता है ना तो एंजाइम होता है। अब यहां पर प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, देखिए जैसे कि माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर प्लास्टिड होते हैं या फिर राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, ये सारे पार्ट्स वायरस में नहीं होते हैं। क्लियर? और अगर ये होते तो इसके में एक कंप्लीट सेल होती तब यह लिविंग कैरेक्टर शो करता, लेकिन ये सभी इसके अंदर नहीं होते हैं और इसमें एंजाइम भी नहीं होता है। एंड आगे बढ़ते हैं, नो रेस्पायरेशन। तो किसी भी वायरस के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगी तो वह रिस्पायरेशन कहां से कर पाएगा? तो वायरस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसीलिए यह क्या करता है, यह श्वसन नहीं कर पाता, रिस्पायरेशन नहीं करता है, इसमें पाचन नहीं होता है। देखिए आगे देखिए, असेलुलर वायरस क्या है, यह अकोशिकीय है, यह असेलुलर यानी अकोशिकीय है। देखिए दोस्तों आगे क्या है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल, यानी इसको जैसे कि सिल्ट होती है, बालू होती है, या फिर जो शीशे का चूरा होता है, इन सबको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो जैसे ये सब क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे केमिकल कुछ होते हैं क्रिस्टल के रूप में, तो जैसे ये सारे केमिकल क्रिस्टल के रूप में होते हैं, उसी प्रकार से वायरस को भी हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और डब्ल्यू एम स्टेल ने सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त भी किया था इसको। दे डू नॉट ग्रो इन कल्चर्ड मीडियम, यानी कि जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट है या हम लोग हैं, तो हम लोग ये क्या होते दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स है, पहले सीड होगा, उस सीड से दोस्तों क्या निकलेगा, प्लूम्यूल निकलेगा, रेडिकल आएगा बाहर, तो उनसे रूट बनेगी, स्टेम बनेगा, लीफ होगी, ब्रांचेस होगी, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, तो ये कल्चर्ड ग्रो होता है। बट वायरस में कल्चर्ड ग्रो नहीं होता है, वायरस में ऐसी वृद्धियां नहीं हो पाती हैं, तो हम कहते हैं इसके अंदर कल्चर्ड ग्रो नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। दे कैन मल्टीप्लीकेशन इन होस्ट सेल, यानी यह ये केवल और केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है कि वह खुद को क्या करता है, खुद का मल्टीप्लीकेशन करता है। तो वायरस भी क्या करता है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देता है, यानी वृद्धि करना शुरू कर देता है, ग्रोथ करता है। दे कंटेन एसिड, यानी इसमें एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड, तो दे कंटेन एसिड यानी इसमें एसिड है, एसिड का बना होता है। सो कैपेबल सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड होती है इसीलिए यह प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एसिड होती है। एंड आगे बढ़ते हैं, सो एंटीजन प्रॉपर्टी, यानी इसके अंदर एंटीजन प्रॉपर्टी होती है, सो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन भी करता है। दे आर प्रोसेस डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए का निर्माण ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, तो इस दे आर प्रोसेस्ड डीएनए आरएनए, यह किसका कैरेक्टर हो रहा है, यह लिविंग कैरेक्टर हो रहा है। तो इधर के सारे लिविंग कैरेक्टर होते हैं वायरस के और इधर के नॉन लिविंग कैरेक्टर है, तो ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
तो बहुत कठिन नहीं है, अगर आप इसको आराम से समझेंगे तो कोई भी टर्म यहां पर, कोई भी टॉपिक बहुत टफ नहीं है आपके लिए। बस चीजों को समझिए, नोट करते रहिए, बस इतना बिलीव करना जितना बता रहे हैं, वहां से आपका कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होने वाला है। और दोस्तों पता होगा आपको, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, ये ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अबव टू 110, 110 के ऊपर, अबव टू 115, 115 के ऊपर, ऐसे आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में आपको उसकी थ्योरी समझना होगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर दोस्तों। चलिए, तो दे आर प्रोसेस डीएनए आरएनए, ये दोनों करेक्टर किसके हैं, ये वायरस के हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहां से बनता है, जेनेटिक मटेरियल से, कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी, क्या है भाई उसमें, क्या डीएनए है कि आरएनए है, अगर डीएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, आर डबल स्ट्रैंडेड है, इनवॉल्व्ड है या फिर नेक्ड है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं ना, क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि रियो वायरस है, तो रियो वायरस क्या होता है, ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ऐसे पूछता है, क्लियर ना। लेकिन बताऊंगा मैं आप सभी को कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो इनवॉल्व्ड विथ इनवॉल्व्ड होते हैं, जिनके चारों ओर लिपोप्रोटीन होती है, कुछ नेक्ड होते हैं, तो यहां से भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सारे पॉइंट्स में बताऊंगा। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू सिमेट्री एंड जेनेटिक मटेरियल, समानता और जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम यहां पर वायरस का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ये पूछता है कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग बताइए आप लोग कि यहां जो पिकोना है वो कौन सा वायरस है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, और क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आरएनए वायरस सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएनए वायरस, क्लियर, देन हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वायरस। एंड हां, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि शेप ऑफ वायरस, जो वायरस का शेप होता है, आकार, वो कैसा होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। देखिए, अब आरएनए वायरस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड, और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, क्लियर। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसमें दो होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और एक होता है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। तो एक पॉजिटिव सेंस आरएनए है, एक नेगेटिव सेंस आरएनए है। अब यहां जो पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है उसमें एक है इनवॉल्व, यानी जिसके चारों ओर क्या होता है, इनवॉल्व होता है, लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, और एक होता है नेक्ड, जिसके चारों ओर लिपोप्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं, अब आप देख सकते हो अगर पूछेगा आपसे कि टोगा वायरस क्या है, तो आप बताओगे सिंगल स्ट्रैंडेड इनवॉल्व्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, ये बताएंगे। कोरोना वायरस क्या है, यह भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसमें भी क्या होता है, इनवॉल्व्ड होता है। फ्लैवी या रेट्रो, ये सब भी क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। अब यहां हमको समझना है ये टोगा वायरस क्या, दोस्तों तो आपने सुना होगा इसके पहले इंसेफ्लाइटिस के बारे में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहां जो टोगा दिया हुआ है, टोगा वायरस क्या है। एक्चुअली जो टोगा वायरस लिखा गया है ये वायरस की फैमिली का नाम है, टोगा वायराइडी या कोरोना वायराइडी, फ्लेवी वायराइडी, रेट्रो वायराइडी या पिकोना वायराइडी, रियो वायराइडी, तो ये वायराइडी जो है उसकी फैमिली को का नाम है, तो यहां लिखा है पहले क्या, टोगा वायराइडी। तो अगर आपको समझना है कि क्या होता है टोगा वायराइडी, तो आप जानते होंगे चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया बीमारी फैलती है ना, वो टोगा वायराइडी ही है, क्या है, वो टोगा वायराइडी है। और अगर हम लोग बात करें आगे, देखिए चिकनगुनिया होता है और जनरल जो सामान्य रूप से एंसेफ्लाइटिस होता है वह भी, वो सब क्या है, वो सब होते हैं टोगा वायराइडी की फैमिली की बीमारियां होती हैं। अब आपने दोस्तों पढ़ा होगा कोरोना, तो आपको पता है कि जो सार्स वायरस है, ठीक है ना, इससे कोरोना फैलता है, कोविड फैलता है, तो ये कोरोना वायराइडी फैमिली का वायरस होता है। अगर हम लोग बात करें फ्लैवी, तो दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस, एलो फीवर, जीका वायरस, है ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको हम कहते हैं जापानीज एंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, एलो फीवर, एलो फीवर को हम क्या कहते हैं, डेंगू कहते हैं, डेंगू बुखार कहते हैं ना, डेंगू फीवर,
या इसको बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर, ये सभी क्या होते हैं, सभी फ्लेवी वायराइडी की फैमिली के होते हैं। सुनना फिर से, जी का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, एलो फीवर, ये सभी क्या होते हैं, ये जी का जो ये फ्लेवी वायराइडी फैमिली के होते हैं। अब देखना आप लोग, रेट्रोवायरस दिया हुआ है, तो रेट्रोवायरस क्या है, यह इनवॉल्व्ड होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए है, और कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए है, जिसके चारों ओर लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, रेट्रोवायरस। जैसे कि आपका एचआईवी, जो एचआईवी वायरस है वो भी क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। एचआईवी क्या है, रेट्रोवायरस है। अगर दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, देखिए इसी में, तो अगर हम लोग इसी में आगे बढ़े तो नेगेटिव सेंस आरएनए दिया हुआ है, तो यहां पर क्या है, पिकोना है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं पिकोना वायराइडी। अब ये पिकोना क्या होता है भाई, इसमें भी नॉर्मल सा फीवर आता है। अब यहां पर पिकोना तो यहां सही है, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं, यहां होगा बनिया वायरस, ना कि पिकोना, यहां होगा बनिया वायरस, क्लियर ना, तो यहां होगा बनिया वायरस। जो बनिया वायरस होता है वो नेगेटिव नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और यहां जो पिकोना है, पिकोना वायराइडी, ये नेक्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो रियो वायरस। दोस्तों रियो वायरस क्या होता है, रियो वायरस या रियो वायराइडी, जिसको हम कहते हैं रोटा वायरस, तो रियो वायरस को हम कहते हैं रोटा वायरस। और ये कैसा वायरस होता है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या होता है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे कि डायरिया वगैरह फैलता है, तो डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें उल्टी और दस्त होता है, तो डायरिया क्या है, रोटा वायरस है, ये भी रियो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों आगे क्या है, आगे है डीएनए वायरस। तो जो डीएनए वायरस होता है, यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है नेक्ड, ठीक है ना, यानी कि नॉन इनवॉल्व्ड होता है, और एक होता है इनवॉल्व्ड, यानी इसके चारों ओर लिपोप्रोटीन का आवरण होता है। अब देखिए इसमें जो इनवॉल्व्ड है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, क्लियर ना, तो वो डबल स्ट्रैंडेड है। जैसे कि हर्पीज, तो हर्पीज क्या होती है, यौन संबंधी बीमारी है, ठीक है ना, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फैलता है। फिर क्या है, हेपेडना होता है, हेपेडना का दोस्तों मतलब होता है हेपेटाइटिस, जो हेपेडना है उससे हेपेटाइटिस होती है। पॉक्स, तो पॉक्स आप जानते होंगे, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, आपको पता है कि चिकन पॉक्स को अब खत्म कर दिया, जो चिकन पॉक्स था उसको खत्म कर दिया गया है, स्मॉल पॉक्स ही होता है बैरियोला से, तो पॉक्स भी किसमें आता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और वो इनवॉल्व्ड सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसके चारों ओर क्या होता है, इनवॉल्व्ड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो नॉन इनवॉल्व्ड है, तो इसमें दो वायरस है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है और एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है। तो यहां देखिए जो पहला है वो क्या है, पपुआ, पपुआ वायराइडी। सेकंड क्या है, एडिनो, तो एडिनो वायराइडी। अगर हम बात करें यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो परबो वायरस, परबो वायराइडी होता है। कोलीफेज 5 × 174, ये क्या होते हैं, सब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। अगर आप सोचोगे भी ये एडिनो क्या होता है, तो कंजक्टिवाइटिस डिजीज आप जानते होंगे, वो इसी में आती है, एडिनो में आती है। चलिए, तो ये जो है सभी वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल थे, कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड होता है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना एग्जाम में आ सकता है हम उतना ही कवर करेंगे। देखिए आगे क्या है, शेप ऑफ वायरस। वायरस के बेसिकली चार शेप होते हैं, चार प्रकार का इसका जो आकार दिखा गया है। पहला है ब्रिक शेप्ड, यानी कुछ वायरस ऐसे हैं जो ईंट के आकार के होते हैं, ब्रिक शेप के होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स यानी बैरियोला वायरस, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं चेचक। फिर क्या है, स्फेरिकल, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, थोड़ा राउंड होते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप्ड, जैसे कि क्या है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, बहुत डेंजर होता है इन्फ्लुएंजा और एचआईवी, ये दोनों कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लगभग दोस्तों ऐसे होते हैं, देखिए स्फेरिकल का मतलब यहां पर लगभग ये ऐसे हो जाएंगे इस प्रकार से। आगे देखिए, आगे क्या है, रॉड शेप्ड, यानी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका शेप कैसा होता है, रॉड की तरह होता है, वो रॉड की तरह होते हैं, और जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस, तो टोबैको मोजैक वायरस को सबसे पहले तंबाकू की पत्तियों के रस में खोजा गया था। टोबैको मोजैक वायरस ये रॉड के शेप में होता है, शेप्ड लाइक अ टेडपोल, यानी ऐसा कौन सा वायरस है
जो टेडपोल के सेप्ड में होता है, तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ये ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। क्लियर, तो ये रहा सेप्ट ऑफ वायरसेस। क्लियर, अब देखिए इतने पॉइंट्स आपने पढ़े, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं, आप सभी लोग जो बाद में जुड़े हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग चलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर आपको दिखाया गया है कि कितने प्रकार, कितने इसके कैरेक्टर होते हैं। देखिए बाकी क्लासिफिकेशन, देन साइज एंड फंक्शन, आइडेंटिफाई या फिर कोर, एनवलप क्या होता है, एंड टर्म वायरस, क्रिस्टल, डिस्कवरी एंड व्हाट इज वायरस। तो इतने पॉइंट्स हमने आज पढ़े। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण पे, जहां हम लोग देखेंगे कि वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, हम उन पर डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने केवल क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, केवल आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आपको आंसर इसका आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं आपको यहां पर आंसर भी बताऊंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो हम इन सब पर बात करेंगे। यानी कि कोई भी एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मैं यहां से नहीं छोड़ूंगा जो आपकी परीक्षा में आता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी सबसे पहले टर्म वायरस किसने दिया था, तो द टर्म वायरस इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी 2002 में। तो आपको बताया गया इसके पहले कि टर्म वायरस यूज बाय पोस्चर, ये मैंने आपको बताया हुआ था, पोस्चर एंड बेजरिंग्स, बेजरिंग्स ने कहा था कंटेंजियम वाइवम फ्लूडियम। लेकिन जो आंसर इसका दिया गया था ऑप्शन में बेजरिंग्स नहीं था, तो ऑप्शन में क्या था भाई, पोस्चर। तो आपको अभी मैंने बताया हुआ था कि टर्म वायरस किसने यूज किया था भाई, तो पोस्चर ने यूज किया था। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ, कैप्सिड किसकी बनी होती है, ठीक है ना, मैंने कहा था कि वायरस के सबसे अंदर क्या होता है भाई, सबसे अंदर होता है कोर, ये कोर है, ये कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड का, और इस कोर के चारों ओर एक कवरिंग होती है, प्रोटीन से एक जो है कोट रहता है जो उसकी सुरक्षा करता है, जो उसको सिक्योर करता है, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, कोट होता है जो इसको सिक्योर करता है कोर को, वह किसकी बनी होती भाई, वह बनी होती है प्रोटीन की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड है जो कैप्सोमियर से बनी होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं कैप्सोमियर, ऐसे कैप्सोमियर होते हैं, ये कैप्सोमियर जब मिलते हैं ना तो क्या बनाते हैं, कैप्सिड, है ना, कैप्सोमियर मिल करके कैप्सिड का निर्माण करते हैं। क्लियर, चलिए तो यहां देखिए, यहां हो जाएगा प्रोटीन, यहां जो आंसर आपका दिया गया था ऑप्शन में वो क्या आंसर था, प्रोटीन था। तो कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ प्रोटीन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, यानी सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किसने किया था, यह क्रेडिट किसको जाता है दोस्तों, तो अभी आपको इसके पहले बताया गया था WM स्टैनले, किसने, स्टैनले ने। तो सबसे पहले स्टैनले ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया था, इसीलिए इसका श्रेय इनको गया है, ऑप्शन में यह था। क्लियर ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको मोजाइक वायरस इज नाइदर ये प्रोकैरियोट आर नाइदर एन, यानी जो टोबैको मोजाइक वायरस है वह ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही क्या होगा भाई आगे, ना ही यूकैरियोट, बिकॉज इसके पास सेल नहीं होती, तो ना ही ये प्रोकैरियोट है और ना ही ये यूकैरियोट है, तो ऑप्शन में क्या था आपके, यूकैरियोट था। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, यानी एक बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, तो ये बैक्टीरियोफेज इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, जाहिर सी बात है क्या इसमें होता है भाई,
प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये आपका ऑप्शन था न्यूक्लिक एसिड, और यही क्या था राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी 2004 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, यानी कोई भी वायरस होगा, चाहे वो बैक्टीरियोफेज है, साइनोफेज है, ठीक है, माइक्रोफेज है, फाइकोफेज है, कोई भी वायरस होगा वह कैसे बना होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, और कौन सा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलीफेज 5 × 174 कंटेंट, जो कोलीफेज है, कोलीफेज वायरस, कोलीफेज 5 × 174 कंटेंट, यानी इसमें क्या क्या होता दोस्तों बता दें, यह कैसे होता है, यह होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है ना। अभी हमने इसको पढ़ा हुआ था, यह क्वेश्चन आया हुआ है 2005 के टीजीटी की परीक्षा में। यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कोलीफेज 5 × 174 ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। मूव करते हैं आगे। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कास्ड बाई या STHLTV3RLAVRARV2, इसका यही आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया भाई आपका यही दिया गया है। जो HIV का वायरस है वह कैसे होता है दोस्तों, तो वह होता है वायरस से, और कौन सा वायरस है, इसको हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं, और कौन सा वायरस, HLTV वायरस, HLTV3 है, इसको LAV भी बोलते हैं, इसको ARV2 भी बोलते हैं, ये सारे नाम किसके हैं, इसी HIV वायरस के नाम हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड, यानी कि आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, जब कोई वायरस लिविंग सेल के बाहर होता है, जब कोई वायरस लिविंग सेल के बाहर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं वीरियन, वीरियन। यह क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2015-16 में, कि जब कोई वायरस किसी लिविंग सेल के बाहर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, वीरियन कहते हैं। एंड व्हाट इज वीरियन, ये क्वेश्चन आया है टीजीटी 2005 में आया हुआ है, कि वीरियन क्या है, टीजीटी 2005 में आ चुका है दोस्तों। तो ये जो आपका ऑप्शन था ना, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, द वीरियन इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, यानी वायरस का एक पूर्ण रूप, कंप्लीट फॉर्म क्या कहलाता है, वीरियन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन में यही आंसर था, ठीक है ना। चलिए मूव करेंगे आगे। फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, क्लियर। तो फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, दोस्तों बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वायरस होता है, वायरस का जो फॉर्म होता है, यानी किसी बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर जो वायरस का फॉर्म है उसको आप क्या कहते हो भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है, बैक्टीरियोफेज। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो किसी भी बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो वायरस होगा उसकी फॉर्म को आप क्या बोलोगे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये वायरस कंटेन, फिर क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, ठीक है ना, टीजीटी के एग्जाम में। तो ये वायरस कंटेन आपको कई बार बता चुका हूं कि वायरस कैसे बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है। तो आप यहां तुरंत बोल सकते हो दोस्तों कि ये कैसे बनता है, ये बनता है न्यूक्लिक एसिड से बनता है, कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है ना। तो प्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये आपका आंसर था, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या था दोस्तों, ये आपका आंसर ये आया हुआ था। चलिए मूव करते हैं आगे। मूव करेंगे आगे तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए, बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज इज, मानी बैक्टीरियोफेज क्या है, आपको कई बार बताया गया है, द वायरस इज इनफेक्ट, इनफेक्ट बैक्टीरिया, द वायरस इज इनफेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी 2013 की परीक्षा में। नेक्स्ट, वायरस
डज नॉट हाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां दोस्तों जो इसका आंसर है ये भी है कि वायरस नहीं जानता हाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें कोशिका का कोई भाग नहीं होता, इसमें कोशिका नहीं होती, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो वायरस डज नॉट हाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आंसर भी यहां पर लगा हुआ है। मूव करेंगे आगे। स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इंफेक्शियस पार्टिकल नोज एज, यानी सबसे छोटा है ना प्रोटीनिशियस इंफेक्शियस पार्टिकल इज नोन, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं वायराइड दोस्तों, ठीक है ना, बल्कि इसको हम कहते हैं प्रियॉन्स, इसको हम कहते हैं प्रियॉन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी 2013 परीक्षा में। स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस इंफेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज प्रियॉन्स, सबसे छोटे प्रोटीन युक्त सबसे इंफेक्शियस जो जीव का नाम क्या है, पार्टिकल का नाम क्या है, जीव लेवल की पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम है प्रियॉन। क्लियर, चलिए मूव करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटीरियल दैट इंटर द होस्ट सेल, यानी कि जब कोई वायरस किसी भी जीवाणु के अंदर अटैक करेगा तो वह कौन सा जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा होस्ट सेल के अंदर, क्वेश्चन है टीजीटी के परीक्षा 2013 में। यहां दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले क्या इंटर करता है, न्यूक्लिक एसिड। हाइड्रोफोबिया इज द कॉज्ड बाई अ वायरस विच इज फाउंड इन, यानी हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, तो हाइड्रोफोबिया इज द कॉज्ड By a virus which is found in saliva in dog, saliva in dog, यानी जो dog होता है उसकी saliva के अंदर, ठीक है ना, यानी जो ये hydro जिसको हम बोलते हैं rhabdo virus, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है rhabdo virus। अब आपको ये एक आंसर देना है कि What is genetic material of rhabdovirus? इस rhabdovirus का genetic material क्या होता है, ये आप लोग आंसर देके मुझे बताएंगे ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। इसका genetic material आपको बताना है कि क्या होता है, क्लियर ना, rhabdovirus का ये DNA वायरस है कि RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, जो टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस है, इस टोबैको मोजैक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान देना यह होता है आरएनए। क्लियर, ये आरएनए आपके ऑप्शन में आया हुआ था, यह आरएनए बेस्ड होता है। इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इंटरफेरॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, यानी कि जो इंटरफेरॉन होता है इसका निर्माण किसके रिस्पांस में, किसके अगेंस्ट होता है दोस्तों, तो जब भी किसी होस्ट के अंदर, जब भी किसी सेल के अंदर कोई वायरस एंटर करता है तो उस वायरस के रिस्पॉन्स के लिए, उस वायरस के रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, इंटरफेरॉन बनते, यही इंटरफेरॉन क्या करते हैं, वायरस का मुकाबला करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह हो जाएगा वायरसेस। चलिए, प्रोसेस इन वायरसेस इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है पीजीटी 2015 की परीक्षा में कि प्रोसेस इन वायरसेस इज, ये दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, कोई भी अगर वायरस होगा तो क्या करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, किसी भी वायरस का प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, और क्या होता है इसका, और होता है रेप्लिकेशन, और क्या होता है म्यूटेशन, और क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ये सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस इन वायरसेस इज, वायरस में क्या प्रोसेस होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन और म्यूटेशन। क्लियर,
दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, एचआईवी वायरसेस इज, ये पूछा गया है, तो क्या होता है ये? रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है? रेट्रो वायरस। ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी बॉटनी 2000 2000 की परीक्षा में कि एचआईवी क्या है। तो एचआईवी दोस्तों एक रेट्रो वायरस होता है, और रेट्रो वायरस के साथ साथ ये क्या होता है? एक आरएनए बेस्ड वायरस है। क्या होता है ये? आरएनए बेस्ड वायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो आरएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में दोनों भी थे, तो दोनों सही है। चलिए मूव करेंगे आगे। एन एंटीवायरल सब्सटेंस, क्लियर, एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसाइजिंग ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज। क्वेश्चन आया हुआ है एलटी 2015 परीक्षा में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एंटीवायरल भाग है, पदार्थ है, जो कि वायरस के सिंथेसाइजिंग को प्रिवेंट करता है, बंद करता है, कम करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, यहां देखिए दोस्तों क्या होता है, इंटरफेरॉन। तो सेम यही होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा? इंटरफेरॉन। और ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, ये होता है इंटरफेरॉन होते हैं, फेरॉन्स। क्लियर। आप देखिए एन एग्जांपल ऑफ प्लांट वायरसेस, एक प्लांट वायरस का एक एग्जांपल दीजिए, जो आपका ऑप्शन में आया हुआ था वो था टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी वायरस। क्वेश्चन है वायराइड, वायराइड आर, वायराइड क्या होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा में कि वायराइड किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आया है बॉटनी की परीक्षा, पीजीटी बॉटनी में दोस्तों, तो इनको हम बोलते क्या हैं? तो वायराइड इज इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, ये आपका ऑप्शन था, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको हम कहते हैं वायराइड। तो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड को वायराइड कहते हैं। एंजाइम्स आर अब्सेंट इन वायरसेस, वायरसेस के अंदर एंजाइम क्या होते हैं? अब्सेंट रहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी बॉटनी 2000 में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे फटाफट। नेक्ड वायरसेस आर, जो वायरस नेक्ड होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी 2010 की परीक्षा में कि नेक्ड वायरसेस आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं वायराइड्स, तो इनको वायराइड्स कहते हैं। दोस्तों द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ये क्या होता है दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ द सेल, माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये माइकोप्लाज्मा। चलिए मूव करते हैं आगे। आगे है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इंफेक्शन आर टर्म्ड, यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है जब किसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत कम समय के लिए उसको इन्फेक्ट करता है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विरुलेंट। देखिए विरुलेंट का मतलब होता है संक्रामक, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं विरुलेंट, यानी संक्रामक कहलाता है वो संक्रमण शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी 2003 की परीक्षा में। आगे वायरस हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए आइदर आरएनए, यानी वायरस में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, यहां पर आंसर भी दिया गया है कि पीपीएलओ क्या होती है, इसको हम कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है दोस्तों। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसमें असीम केंद्रक होता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है पीपीएलओ के अंदर, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कैसे होता है? आपके ऑप्शन थे H5N1, आपके ऑप्शन थे H1N1, ये सारे आपके ऑप्शन दोस्तों थे, ये होता है स्वाइन फ्लू, ये होता है बर्ड फ्लू, यही सही आंसर है। चलिए दिया दोस्तों कि प्रोजिनर्स इन 1997 रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ, यहां जो फ्रूजमैन नामक वैज्ञानिक हैं इनको नोबेल दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था
1997 में, और इनको नोबेल पुरस्कार दोस्तों क्यों दिया गया था, प्रियॉन्स की खोज के लिए। क्लियर ना, ये था आपका ऑप्शन। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास बहुत ही लंबी होगी आपकी, लगभग एक घंटे के आसपास क्लास आपकी चलेगी, और एक क्लास के माध्यम से आपको किसी भी टॉपिक को पूरा मैं यहां पर एकदम क्रिस्टल के रूप में उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज आपने वायरस पढ़ा है, अब जैसा भी आपको क्लास लगे आप लोग कमेंट करना, या फिर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है आप उसके बारे में कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।